हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल T10 स्टडी पर। इस वीडियो में हम लोग साइंस के श्रृंखला को जारी रखेंगे और ये पांचवा पार्ट है। मैंने इससे पहले चार पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। सभी पार्ट इम्पोर्टेंट हैं और सभी से क्वेश्चंस आने की एग्जामिनेशन में संभावना है। इसमें भी मैंने 30 प्रश्न को लिया है और यहाँ से प्रश्न सीधे सीधे आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, तो ये क्वेश्चन आपका आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें या स्टडी ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल पाए। देखिए, आज से रेलवे का भी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है और आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेलवे में भी साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारा आपका तो खैर बोर्ड के लिए है। ठीक है, बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ साथ इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके रेलवे के क्वेश्चन में भी आएंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने जो चार पार्ट कराए थे उसमें 90 प्रश्न मैंने करा रखा है, हम लोग इसमें 91 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 91 नंबर प्रश्न है कि साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए, साग सब्जियों का विघटन होने का मतलब क्या होता है, उसका टूटना। टूटेगा कब, जब ये वेस्ट बनेंगे यानी कि ख़राब हो जाएंगे, इसमें कीड़े मकोड़े लगेंगे, तो ये क्या होगा, विघटन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि विघटन कौन करेगा, जो डिकम्पोज़र होगा वो क्या करेगा, उसको डिकम्पोज करने का काम करेगा। और जब विघटन करेगा तो इससे क्या रिलीज होगी, उष्मा रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, और जिस भी रिएक्शन में हीट एनर्जी रिलीज होती है यानी कि जिस भी अभिक्रिया में उष्मा ऊर्जा मुक्त होती है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है इसका परिभाषा भी कि उष्मा क्षेपी क्या होता है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्मा क्षेपी, और जिस रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उष्मा से शोषी। अगला प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में कौन सा दोष होता है। तो देखिए, निकट वस्तु को अगर साफ नहीं देख सकता है, निकट रखी वस्तु को साफ नहीं देख सकता, तो उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। याद रखिएगा, ठीक उल्टा याद रखिएगा। ठीक है, क्यों होता है, अगर उतना समझाऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, है ना। तो बस इतना आप याद रखिएगा कि जो भी नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता उसमें दूरदृष्टि दोष होगा, यानी कि ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रसित है तो किस प्रकार के लेंस का से उसको उपचारित किया जाता है। तो देखिए, दू में ऊ आ रहा है ना, तो दू में जब ऊ आ रहा है तो ऊ से एक ही लेंस है, कौन सा, उत्तल लेंस। ठीक है, दू से कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। दू ऊ यानी ऊ वाला वर्ड इसमें भी आ रहा है, ऊ वाला जो उच्चारण है दू में आ रहा है, तो ऊ से उत्तल याद रखिएगा। और निकट दृष्टि दोष में कौन सा, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष में कौन सा किया जाता है, द्विफोकसी लेंस यानी कि बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें द्विफोकसी लेंस में होता क्या है, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंस को मिक्स करके बनाया जाता है। रतौंधी किसकी कमी से होता है, तो याद रखिएगा, रतौंधी जो होता है यह विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, गाजर। ठीक है, क्या है, गाजर है। तो सारा पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो है वह कहाँ मुक्त होता है। तो देखिए, विद्युत अपघटन जब कराया जाता है वाटर का, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ का, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वह किधर जाता है, तो याद रखिएगा एनोड की तरफ जाता है। किस साइड जाता है, एनोड की तरफ। नेक्स्ट है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में ना जाने कितना बार ये रिपीट हुआ है। तो देखिएगा, सीसा और टिन का जो मिश्र धातु होता है उसे बोलते हैं फ्यूज़। क्या बोलते हैं, फ्यूज़ बोलते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है, तो मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, क्या ट्रिक बताया था, पिताजी करके। ठीक है, पिताजी अगर आप याद रखते हैं तो आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे। पी फॉर पीतल, त फॉर तांबा और ज फॉर जस्ता, यानी जो पीतल होता है वह तांबा, किसका किसका, तांबा और जस्ता का क्या होता है, मिश्र धातु होता है। कभी कभी इसका संकेत दे दिया जाएगा, तांबा का सीयू और जस्ता का जेडन यानी कि जिंक। अगला प्रश्न है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए, कवक जो होता है यह परपोषी होता है, यानी कि इसमें क्लोरोफिल अपना नहीं होता है, और जिस भी जीव में अपना क्लोरोफिल नहीं होता है वह भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर पाएगा। हालांकि इसका आंसर परपोषण भी होगा, लेकिन परपोषण के बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिनमें एक आता है मृत जीवी पोषण। ठीक है,
तो जब भी मृतजीवी पोषण रहे तो आप मृतजीवी पोषण को टेकआउट करोगे, यदि ऑप्शन में मृतजीवी नहीं रहता तब आप प्रपोषण को टेकआउट कर सकता था। ठीक है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक मृतजीवी पोषण पाया जाता है। और याद रखिएगा जिसमें भी मृतजीवी पोषक पाया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है, अपघटक कहा जाता है, यानी कि डीकम्पोजर, अपघटक, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक लेंस ऐसा होता है अगर इससे हम कोई भी लाइट रे को क्रॉस करवाएंगे तो ये क्या होगा, इससे जो लाइट रे जाएगा वो अपवर्तित होने के बाद एक जगह मर्ज होगा। दूसरा ऐसा लेंस होता है, ठीक है, अगर उससे हम लाइट को क्रॉस करवाएंगे तो वह क्या होगा, अपसरित हो जाता है, इट मीन्स क्या, फैल जाता है। तो फैलना को बोलते हैं अपसरित होना, फैलना को क्या बोलते हैं, अपसरित होना। तो उत्तर अवतल लेंस जो होता है वह अपसरित करता है, इसीलिए अपसारी लेंस बोलते हैं, और उत्तर लेंस जो होता है अभिसरित करता है, मतलब एक जगह मर्ज करता है, इसीलिए उत्तर लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह अपने से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, एक बिंदु पर मर्ज कर देती है। अगला प्रश्न है सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है। फ्रेंड्स यदि आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो ये याद जरूर कर लीजिएगा, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है वो होता है पोटेशियम। कौन सा होता है, पोटेशियम, याद रखिएगा। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है, ठीक है, यानी कि कैलियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के होता है, यानी कि कैलियम। कैलियम क्या है, इसका लैटिन नाम है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय है कौन सा है, पोटेशियम। इसके बाद कौन सा है, सोडियम, यानी कि Na। अगर ऑप्शन में आपका पोटेशियम नहीं रहता है तो आप सोडियम को टिकआउट कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु जो होता है वो पोटेशियम होता है, दूसरा होता है सोडियम। अगला है विद्युत परिपथ में मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर मीटर नहीं होगा, एमीटर होगा, ठीक है, इसको चेक सही कर लीजिए, मीटर नहीं एमीटर। एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, देखिए एक होता है FAS और एक होता है VIP। ठीक है, मान लीजिए अगर आपको किसी को फंसाना हो तो आप किस प्रकार के लोगों को फंसाओगे, VIP लोगों को फंसाना लोग पसंद करते हैं। ट्रिक है, बस इसको ज़्यादा नहीं लीजिएगा, मैं ट्रिक के तरीके से बता रहा हूँ। क्या करते हैं लोग, VIP लोगों को फंसाना चाहते हैं ताकि उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो पाए, VIP लोगों को फंसाना चाहते हैं। तो VIP और FAS, देखिए ये जो आपका V है ये हो जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है, आई को साइलेंट रखते हैं, और पी जो है आपका पैरलर हो जाएगा, यानी कि वोल्ट मीटर को किस में लगाया जाता है, पैरलर में, यानी कि समानांतर क्रम में। कौन से क्रम में, समानांतर क्रम में। यहाँ पर एफ से हो जाएगा फ्यूज, ए से हो जाएगा एमीटर। फ्यूज और एमीटर को किस क्रम में, एस से श्रेणी क्रम में हो जाएगा, ठीक है, यानी फ्यूज और एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया एमीटर, तो एमीटर को भी किस में, श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वृक्क किस तंत्र का एक भाग है। तो देखिए वृक्क जो है यह किस तंत्र का भाग है, तो वृक्क आपका है उत्सर्जन तंत्र का भाग, क्योंकि किडनी जो है हमारे शरीर में जितने भी इम्प्योरिटी होती है उसको क्या करता है, फिल्ट्रेट करने का कार्य करता है। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर V, प्रतिरोध R, प्रवाहित धारा I के बीच क्या संबंध होता है। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ के हिसाब से क्या होता है, V = IR, क्या होता है, V = IR होता है। इसी को आप उलट पुलट करके तीन फार्मूले तैयार कर सकते हैं, क्या तैयार कर सकते हैं, आई को रहने दीजिए, वी आर को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, V/R = I, एक ये हो सकता है, और अगर आर को इधर छोड़ देते हैं तो V/I = R, ये तीन प्रकार के फार्मूले तैयार होते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं क्या संबंध है, तो V = IR होता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक पिकोमीटर का मान कितना होता है। तो आपने केमिस्ट्री फिजिक्स में क्लास 9th में यह चीज़ को पढ़ा होगा, ठीक है, ये उपसर्ग मानक मात्रक है। तो एक पिकोमीटर की बात करें तो याद रखिएगा एक पिकोमीटर का वैल्यू कितना होता है, एक पिकोमीटर का वैल्यू होता है 10^-12, ठीक है। 10^-6 को बोलते हैं माइक्रोमीटर, और 10^-9 को क्या बोलते हैं, -9 को क्या बोलते हैं, नैनोमीटर, ठीक है, और 10^-15 को क्या बोलते हैं, फेमटोमीटर। याद रखिएगा क्वेश्चन में पिकोमीटर कहा गया है, 10^-12 इसका आंसर। अगला है नरयुग्मक कहा जाता है। तो देखिए नरयुग्मक जो होता है वह किसे कहा जाएगा, शुक्राणु को, ठीक है। स्पर्म जो होता है इन्हें हम क्या बोलते हैं, नरयुग्मक बोलते हैं। फीमेल युग्मक किसे बोलते हैं, यानी कि मादा युग्मक किसे बोलते हैं, ओवा को, यानी कि अंडाणु को बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है जिब्रेलिन क्या है। तो देखिए पादप में 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं, और मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया है, 5 से 6 मिनट का वीडियो, आप उसको देख सकते हैं, प्लांट हार्मोन के बारे में सभी का क्या कार्य है वो सारा चीज़ मैंने उसमें अच्छे से डिस्कस करा है, ठीक है। तो जिब्रेलिन क्या है, एक प्रकार का पादप हार्मोन है, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है पादप में फ्लोएम किसके
उस संवहन के लिए उत्तरदायी होता है। तो मैंने इसका भी ट्रिक बताया था, पादप में दो प्रकार के संवहन ऊतक होते हैं, एक जाइलम और एक क्या होते हैं फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम में भी फ वर्ड आ रहा है और इसमें फल में भी फ वर्ड आ रहा है। तो फल क्या है, खाद्य पदार्थ है, तो खाना का स्थानांतरण कौन कराएगा, फ्लोएम कराएगा। और जल, जव में भी जल और जाइलम में भी जव होता है फर्स्ट। ठीक है, तो याद रखिएगा जाइलम जो होता है जल और घुलित खनिज लवणों का परिवहन कराता है, और दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, संवहन बंडल। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है, देखिए याद रखिएगा, अगर सॉलिड सब्सटेंस से करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह हो तो याद रखिएगा इसमें जो गतिशील कण होगा वह कौन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जब किसी सॉल्यूशन से होगा यानी कि विलयन से होगा, तो विलयन से जब गतिशील जो कण होगा वह क्या होगा, आयन होगा। क्या होगा, आयन होगा। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है चालक तार से, तार तो सॉलिड होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यदि लिक्विड पूछता, जल वगैरह पूछ लेता, तो क्या हो जाता, आयन हो जाता। अगला है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है। तो मैंने पांच हार्मोन के बारे में बताया है वीडियो में, आप उसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर पूछा है पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के कारण होता है, तो एब्सिसिक हार्मोन जो होता है, एब्सिसिक एसिड जो होता है, यह पौधे में वृद्धि रोधक हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है, वृद्धि रोधक हार्मोन। तो पत्तियों का मुरझाना एब्सिसिक एसिड के कारण ही होता है। अगला है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल से कम कितनी होनी चाहिए। तो देखिए पवन विद्युत जनित्र जो होता है वह पवनों से क्या करता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को तैयार करता है। तो उसमें पूछा जा रहा है कि पवन का जो चाल होता है वह कितना होना चाहिए। तो पवन का चाल कितना होना चाहिए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए। कितना, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। याद रखिएगा पवनों का देश किसे कहा जाता है, डेनमार्क को कहा जाता है। किसे, डेनमार्क को। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा दर्पण लगा होता है। मोटर गाड़ी चालक के सामने, सामने कहने का मतलब कि यह साइड मिरर की बात कर रहा है। ठीक है, साइड मिरर यानी कि पश्च दृश्यक। तो पश्च दृश्यक की जब भी बताएगी तो उत्तल दर्पण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन वही अगर सर्च लाइट होता, हेडलाइट के बारे में बात करता, तो इसका आंसर क्या हो जाता है, अवतल दर्पण। नेक्स्ट है प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो देखिए प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, आपका सूर्य है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है। तो देखिए विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रा क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है, किलोवाट घंटा है। एम्पियर किसका है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का। जूल किसका है, तो ऊर्जा का। और ओम किसका है, तो रेसिस्टेंस का। अगला प्रश्न है हरे पौधे क्या कहलाते हैं। तो देखिए इकोसिस्टम में जो होता है जैव घटक और अजैव घटक के जो आपसी संबंध होता है इसको इकोसिस्टम बोला जाता है, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र। और पारिस्थितिकी तंत्र में जो दो घटक होते हैं जैव और अजैव, तो इसमें जैव घटक के तीन घटक होते हैं, एक होता है उत्पादक, ठीक है, और एक होता है उपभोक्ता। ठीक है, क्या होता है, उपभोक्ता। और तीसरा होता है अपघटनकर्ता। क्या होता है, अपघटनकर्ता। तो देखिए उत्पादक जो होता है सारे पौधे होते हैं, तो जितने पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उपभोक्ता कहा जाता है। नेक्स्ट है एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए एड्स का पूरा नाम पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, याद रखिएगा एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, याद रखिएगा इसी में क्वेश्चन पूछा जाता है एचआईवी का। किसका, एचआईवी का। तो याद रखिएगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। नेक्स्ट है किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो मैंने इसी वीडियो में समझा है अपसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को, क्योंकि ये लाइट को क्या कर देता है, अपसरित कर देता है यानी फैला देता है। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए भोजन का जो पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इससे भी क्या होता है, हीट एनर्जी निकलती है। नेक्स्ट है कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो याद रखिए कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 20 होती है। 11 किसका होता है, सोडियम का होता है। 26 किसका होता है, लोहा का होता है। और 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। मैंने जो भी लिया है सारा गिना चुना और इम्पोर्टेंट लिया है, तो सारा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कैल्शियम का 20, सोडियम का 11, लोहा का 26 और क्लोरीन का 17। अगला है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। इसमें से एक IUPAC नेम है और एक साधारण नाम है। ठीक है, तो कोई भी ऑप्शन में रह सकता है आपका, या तो फॉर्मिक रह सकता है या तो मेथेनोइक अम्ल रह सकता है। अगला है आवर्त सारणी में कितने उदग्र कॉलम है। देखिए मैंने आवर्त सारणी को बड़े अच्छे से समझाया है, रेलवे वाले यदि स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को
तो उसके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यदि आप 18 का रेलवे का पेपर उठा कर देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से रहता ही रहा है, सभी सेट में एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो मैंने पीरियोडिक टेबल को बेहतरीन तरीके से समझाया, आप उसे देख लेंगे, ठीक है। 18 मिनट का वीडियो है, उसमें सारा का सारा चीज़ मैंने कवर किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है, आवर्त सारणी का जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है या कॉलम होता है उसे क्या कहा जाता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा, तो खड़ा जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग यानी क्लास। तो इसकी संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 18। कितनी होती है? 18 है इसकी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? देखिए, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है। किडनी जो होता है उसी को हिंदी में हम लोग वृक्क बोलते हैं, और इसका पूछा गया है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। तो वृक्क जो होता है उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होता है उसे कहा जाता है नेफ्रॉन, ठीक है। और इसी का एक और नाम है वृक्क नलिका, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और सी दोनों। न्यूरॉन किसका है? तो न्यूरॉन है तंत्रिका उत्तक का। किसका? तंत्रिका उत्तक का। याद रखिएगा, न्यूरॉन को ही तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। अगला है, कोशिका में पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिका में जो पावर हाउस होता है उसे क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पर क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया होती है, और ग्लूकोज कहाँ क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ से क्या निकलता है? ATP के रूप में एनर्जी मुक्त होता है, और शरीर के सभी भागों तक ट्रांसपोर्टेशन होता है उसका, ठीक है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, एनर्जी हाउस, या फिर बिजली घर। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती थैली, ठीक है, या एटम बम। राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। गोल्जी इकाई को क्या बोलते हैं? तो गोल्जी इकाई को बोलते हैं कोशिका का यातायात प्रबंधक। आज का आखिरी प्रश्न है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखिए, हमारे शरीर में दो तरीके का श्वसन पाया जाता है, मतलब श्वसन की दो क्रियाएँ होती है। एक होता है जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है यानी कि प्रेजेंट होता है, और एक ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीजन क्या होता है? अब्सेंट होता है। तो जो ऑक्सीजन की अब्सेंट में अगर भोजन अणुओं का विखंडन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? अवायवीय श्वसन। और उपस्थिति में हो तो वायवीय श्वसन या ऑक्सी श्वसन, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, देखिए, अगर हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब श्वसन होता है तो अवायवीय श्वसन कहते हैं, और अवायवीय श्वसन के कारण ही हमारे पेशी कोशिकाओं में क्या होता है? लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और इसी लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है? पेशी कोशिकाओं में दर्द या क्रैम्प देना शुरू करता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पेशी कोशिकाओं में दर्द किस एसिड के कारण होता है? तो याद रखना है, लैक्टिक एसिड के वजह से, ठीक है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अपने पूरे स्टडी ग्रुप में और जितने फ्रेंड सर्कल हैं सभी जगह शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएँ, ठीक है। और आप लोगों को न्यूमेरिकल का वीडियो कब चाहिए हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे रेलवे का भी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है, और उसमें भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि न्यूमेरिकल का वीडियो आप लोगों को कब चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, एक अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।